गुलावट में बहुत ही मनमोहक सुंदर नज़ारा हमेशा दिखता है। और गुलावट एक ऐसी जगह है जिसको आप पूरे साल भर में कभी भी विज़िट कर सकते हैं और यहाँ पे आके इस नेचुरल वातावरण का आनंद ले सकते हैं। बारिश हो, गर्मी हो या ठंड का टाइम हो, वैसे ठंड का टाइम सबसे बेस्ट होता है क्योंकि तो बारिश के बाद जब यहाँ की झीलों में पानी होता है और अच्छे कमल खिलते हैं तो उसका नज़ारा बहुत ही अलौकिक होता है। बट पूरे ही टाइम कभी भी आप इसे विज़िट कर सकते हैं। प्री वेडिंग शूट, पोस्ट वेडिंग शूट, फोटोग्राफी के लिए तो सबसे उम्दा जगह है। लोग यहाँ पे आते हैं जो न्यूली वेड कपल हैं या जो टू बी मैरिड होने वाले हैं, वो सभी लोग यहाँ पे फोटोग्राफी करने, वीडियो शूटिंग के लिए आते हैं अक्सर। और जो फॉरेस्ट मेला लगता है वो भी बहुत ख़ास है। जो फॉरेस्ट मेला यहाँ लगता है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, उसकी भी एक ख़ास बात है कि आसपास के जो लोग हैं, यहाँ पे जो लोकल रेसिडेंट है, वो ये मेला लगाते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने के लिए। यहाँ पे उनको कुछ कमाई हो जाए, उनको कुछ मिल जाए, इसलिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ लगती है। कोई कबूतर लेके आता है, कोई घोड़े लेके आता है, कोई बहुत सारे प्रॉप्स और कोई नई नई चीज़ें सजा के रखता है यहाँ पे कि लोग आएँ, फ़ोटोग्राफी करें और उनको कुछ पैसे दे जाएँ। ये भी एक अच्छी खास बात है इस मेले की। यहाँ झूले लगते हैं, लोग यहाँ झूला झूलते हैं, अपनी बचपन की यादों को ताज़ा करते हैं और फॉरेस्ट का आनंद लेते हैं। इस मेले को देख के बचपन की यादें ताज़ा हो जाती है। बचपन में जो भी हमने मस्तियाँ की है वो सारी यहाँ तरोताज़ा हो जाती है देखकर। बच्चे झूम उठते हैं, बच्चे झूला झूल रहे हैं, कोई पेड़ों की टहनियों पे बैठकर वातावरण का आनंद ले रहा है, कोई झूला झूल रहा है, तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। कोई घोड़सवारी कर रहा है यहाँ पे, तो ये सब बचपन की यादें हैं जो ताज़ा हो जाती है आके। और आसपास के जो लोकल रेसिडेंट हैं उनको भी रोज़गार मिल जाता है, तो ये सबसे अच्छी खास बात है इस गुलावट की। आप सामने देखेंगे यहाँ के लोकल रेसिडेंट ने ही एक बोट सजाई है जहाँ पे फोटोग्राफी करने के लिए लोग आते हैं, 10-10 रुपये इनको देते हैं, बाकी जो आनंद की प्राप्ति होती है वो उसकी बात ही अलग है, वो बयां नहीं की जा सकती। यहाँ पे जब आप आएंगे तो ही आपको वो एक्सपीरियंस मिलेगा। गुलावट में और एक ख़ास चीज़ ये है कि यहाँ के जो फॉरेस्ट है वो पूरे बेम्बू ट्रीज से घिरे हुए हैं। यहाँ पे बेम्बू ट्रीज़ बहुत हैं,
बांस के पेड़ बहुत हैं, 60-60, 70-70, 80-80 फीट के बांस के पेड़ हैं यहाँ पे, और उससे ये पूरा एरिया घिरा हुआ है, आप सामने देख ही रहे हैं। और इसका जो नज़ारा है वो मॉर्निंग में बहुत शानदार दिखता है, जब सूरज की किरणें इस पर पड़ती है तो वो जो वातावरण बनता है वो बयां नहीं किया जा सकता। जैसे सबसे बेस्ट टाइम होता है गुलावट को विज़िट करने का मॉर्निंग में, मॉर्निंग में शोर कम रहता है और जो वातावरण का आप आनंद ले सकते हैं वो, वैसे तो दिन भर शाम को 6 बजे तक आप आ सकते हैं जब तक सूरज नहीं ढलता है, क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं है और शाम को 6 बजे बाद अंधेरा हो जाता है। तो मॉर्निंग बेस्ट टाइम है, दोपहर में आप यहाँ के मेले का आनंद ले सकते हैं। तो आएँ और आधे दिन के लिए आएँ, 5-6 घंटे के लिए, और पूरा इन्जॉय करके जाएँ। बुलावट बोलते हैं वहाँ पे हैं और बोटिंग का आनंद ले रहे हैं। ये लोटस वैली की सबसे शानदार लेक है जो इंटीरियर में आती है, लोगों को कम पता है, लोग जनरली बुलावट तरफ घूमते हैं, उधर ही जहाँ पे ज़्यादा लोग होते हैं वहाँ जाते हैं, बट ये गांव के अंदर आती है। और हमारे दीपक भैया पीछे थे, उन्होंने हमको बड़ी शानदार लोकेशन विजिट कराई है। अभी सनसेट हो रहा है, सूर्यास्त होने का टाइम आ गया है और ये बड़ी शानदार लोकेशन है जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। बोटिंग का आनंद ले रहे हैं हम सब लोग, यहाँ पे और भी लोग हैं जो बोटिंग कर रहे हैं। थोड़ा घुमाओ इधर उधर, खाओ लोगों को। मोबाइल मत गिरा देना। गुलावट अपने एयरपोर्ट से कुछ 10-1 किलोमीटर दूर है। क्यों भैया, 10-1 किलोमीटर दूर होगा एयरपोर्ट से? तो हाँ, ज़्यादा है, 15 होगा एयरपोर्ट से, कुछ 15 किलोमीटर के आसपास है। बीच में पितृ पर्वत भी आता है और उसके साथ ही साथ यशवंत सागर डैम भी आता है। यशवंत सागर डैम लगा हुआ है यहाँ से,
तो ये बड़ी शानदार लोकेशन है जो आप लोग आ सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो आएं और इस इंदौर की लोटस वैली को एंजॉय करें। ये इंदौर में ही कश्मीर है हमारा, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, इंदौर में ही आप कश्मीर का आनंद ले सकते हैं। आप कितने बजे आ जाते हो सुबह? 5 बजे आ जाते हो? यार मालूम ही नहीं था, नहीं तो आप कभी सुबह सुबह आ जाएंगे हम लोग। वाह, बहुत शानदार यार, यहाँ मजे है यार अलग। थोड़ा कोने में बैठो तो यार आस पास का भी दिख जाएगा। वाह यार, अरे कोई दिक्कत नहीं यार, चलेगा यार। वाह यार, बड़ा ही शानदार। यार तो ले लेते होंगे, तोड़ लेते होंगे, देखना कोई दिक्कत। कितना गहरा कितना है? 10 से 12 फीट है। इधर इधर 10 से 12 फीट है, उधर जाओगे तो 50-60 फीट। अच्छा, जो मेन उधर तरफ ज्यादा है, उधर की गहराई ज्यादा है। यहाँ पे सब क्या गवर्नमेंट ने ले लिया ना, यहाँ प्लॉट नहीं ले सकता कोई भी? नहीं, ये गवर्नमेंट का ही है ना, सभी गवर्नमेंट का। हाँ, आप लोग यहाँ रहते हो ना? जी। वाह, बहुत शानदार। अरे बहुत शानदार झील है ये। मॉर्निंग के टाइम आओगे तो अच्छा लगेगा। हाँ भाइयों और बहनों, आप सभी को शानदार यहाँ लोटस वैली की सबसे शानदार लेक का एक्सपीरियंस मैं आपको करवा रहा हूँ। आप देखेंगे 50-50, 60-60 फीट लंबे पेड़ हैं यहाँ पे, और भैया हमारे धुरंधर वोटर हैं। बहुत शानदार यार, ये तो एक्सपीरियंस कभी मिल नहीं पाता था। ये हमको फूल तोड़ के दे रहे हैं यहाँ के शानदार वाले। वाह यार, भैया मान गए आपको, ये देखा। वाह यार भैया शानदार, गजब गजब गजब, मजा आ गया यार, मजा आ गया, बहुत बेहतरीन। चलो लेना ले सकते हो ना? यार हम हमारे फोटो लेने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते, हम यहाँ के फोटो लेने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। तो आपके भी ले हो, आपकी याद तो रहेगा कि हाँ वहाँ गए थे तो फोटो वगैरह खींचे थे। अरे मैं तो यहीं रहता हूँ एयरपोर्ट के पास। तो अच्छा लगा यार, मजा आया ना, वहाँ इतना मजा नहीं आता, यहाँ इतना है। चलो दीपक भैया थैंक यू। गुलावट में ये जो मेन रास्ता है आने का, ये मेन रोड बनी है, इस रोड के आसपास गुलावट का फॉरेस्ट है, और बीच में आगे जाके एक ब्रिज भी है जहाँ से पूरी झील का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिखता है। यहाँ पे एक हनुमान जी का मंदिर भी है, वो भी आप विज़िट करें। और पास में ये जो रोड साइड पे जो दुकानें लगती हैं, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई गन्ने का जूस बेचता है, कोई चाय बना रहा है,
ये भी बहुत शानदार लोग हैं, इनसे भी आके कुछ ना कुछ खरीदें, यहाँ पे खाए पिए और इनको रोज़गार दें। बड़ी मेहनत से ये लोग काम करते हैं, बहुत ही उम्दा काम करते हैं, गांव के लोग हैं तो बहुत ही ख़ास चीज़ें लाते हैं बेचने के लिए। ये भी ख़रीद के ले जाएं और इनको रोज़गार दें। और यहाँ पे सब्जियाँ भी बहुत फ्रेश होती हैं, गांव है तो गांव के आसपास की जो महिलाएं हैं वो यहाँ की सब्जियाँ यहाँ से ले कर आती है और सब्जियाँ बेचने के लिए लाती है, तो वो भी ख़रीद के ले जाएं, फूल ले जाएं, कमल ले जाएं, यहाँ के वातावरण को इन्जॉय करें और यहाँ के लोगों को रोज़गार भी दें। अब आगे मैं आपको अगली झील दिखाऊंगा जहाँ पे बोटिंग होती है, वो भी बहुत शानदार झील है। ये झील है जहाँ पे लोकल सभी लोग बोटिंग कर सकते हैं और बहुत ही शानदार खुशनुमा माहौल रहता है और सनसेट का आनंद ले सकते हैं आप। गाइस ये गुलावट की सेकंड बोटिंग साइट है जो कि जहाँ पे एरिया बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा एरिया है, यहाँ पे बोटिंग होती है। जो लास्ट बोटिंग साइट थी वो बहुत क्लोज है, जहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं वो तालाब वाली बोटिंग है और ये जनरल वाटर बोटिंग है। यहाँ का भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। बोटिंग करने का जो कॉस्ट आता है वो 100 रुपीज़ पर पर्सन है। कोई सी भी बोटिंग करें आप लोटस वैली की बोटिंग करें या पानी की करें, 100 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज आता है। और अभी सूर्यास्त का समय है, सामने देखो आप सूर्य अस्त हो रहा है, तो ये एक बहुत ही शानदार चीज़ है जो हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं यहाँ पे। और ठंड का समय है, शाम का समय है तो हवा भी बहुत अच्छी आ रही है। ये 1 किलोमीटर हो गया, ये लोग खत्म करवाएंगे। इधर ज़्यादा अरे थोड़ा पास लो यार, लोटस से दूरी रह जाता है। हाँ अरे है। सो गाइस एज आई टोल्ड यू दिस इज गुलावट और मेरे साथ पीछे मेरे को बोटर्स बैठे हैं, साथ में बोटिंग करने आए हैं। गाइस कैसा लग रहा है आप लोगों को? सो पहली बार आए हैं या पहले आ चुके हैं? पहली बार आए। अच्छा इंदौर से है या इंदौर के बाहर से है? इंदौर से। इंदौर के बाहर से कौन कौन है? अच्छा कुछ बाहर से है और कुछ इंदौर से ही है। तो क्या क्या घूम लिया आपने यहाँ पे? बस यही, बस सब यही। बोटिंग ही कर रहा है? सबसे पहले बोटिंग करनी है। अच्छा अच्छा अब भी आए हैं क्या? अच्छा अच्छा चलो वहाँ पे जो मेला जो क्षेत्र है यहाँ पे जो बहुत सारे प्रॉप्स और वो है वो भी होके आइएगा। और एक और बोटिंग होती है जो क्लोज बोटिंग है, जहाँ पे पूरे पेड़ों के साथ लोटस पास पास ही, जो आपने वैली देखी होगी ना मेन वैली, वहाँ पे भी बोटिंग होती है। अच्छा, वो इंटीरियर में होती है, उसके लिए आपको पूरा गांव क्षेत्र के अंदर जाना पड़ेगा। वहाँ पे है लोग जो वेंडर जो करते हैं लोकल में। सो चलो आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। हमें भी बहुत अच्छा लगा। दिस इज ऑल अबाउट गुलावट, ये गुलावट है, इसे लोटस वैली भी बोलते हैं। इंदौर से 25 किलोमीटर दूर, अपने एयरपोर्ट से कुछ 12-13 किलोमीटर दूर है। जरूर आए फैमिली के साथ, पिकनिक मनाएं, एंजॉय करें और बोटिंग का आनंद लें। यहाँ पे अगर बोटिंग नहीं की तो कुछ नहीं किया। मेला क्षेत्र तो ठीक है जहाँ पे लोग आते हैं घूमते फिरते हैं, बट बोटिंग करना सबसे मस्त है। बोटिंग करें, बोटिंग करके एंजॉय करें। यहाँ पे दो बोटिंग एरियाज हैं, एक जो लोटस की बोटिंग होती है वो इंटीरियर में है, वो गांव में है, और ये जो मेन बोटिंग है जो गुलावट से कनेक्टेड है। बहुत टाइम बाद आया हूँ मैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे कमल तोड़ने का मजा ही कुछ और है। बाहर तो मिल जाते हैं, आप खरीद सकते हो, बाकी यहाँ के तोड़ने की बात अलग है। ये रहा एक और।
दूर है और है दूर, दूर है। ये रहा भैया, ले लो एक, ले लो आप भी ले लो। मैं इसको लेके, ये रहा एक, ये रहा एक, खींचो यार खाना खाया कि। एक्सक्यूज मी, मैं इसको लेके एक फोटो खिंचा लूं? अरे बिल्कुल खिंचा लीजिए। पकड़ो ना मेरी, यहाँ पे इसको लेके लो तो होगा। एक और खाना कहाँ गया? और दिख रहे हैं क्या? और नहीं है यार, चले गए। ये इतनी सारी कमाई है हमारी आज जो हमने जोड़ी है। ये कमल के फूल तोड़े हैं गुलावट की लोटस वैली में। ये शाम का समय हो गया, अजान का वक्त हो गया। बाय 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 बाय।